हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके अंदर देखेंगे भी थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9th में पढ़ चुके होंगे। एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर इसकी रेडियस आर है तो इस सर्कल का एरिया मतलब यहाँ पर, अगर हम इसको पेंट, जैसे सर्कल तो जानते हो ना आप, सर्कल क्या होता है, जैसे कोई प्लेट हो गई इस टाइप से, है ना। सर्कल वैसे तो ये सर्कल का पार्ट ही ऊपर वाला ही होता है, लेकिन हम कई बार होते हैं ना, अपने जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यहाँ से पूरे ऐसे प्लेट की तरह से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये है सर्कल का एरिया, है ना, इसकी इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर का एरिया। अगर पेंट करेंगे तो किसको करेंगे, इसी को पेंट करेंगे हम, ठीक है। तो इसके रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। इन सब की डेरिवेशन भी है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अभी फिलहाल हम ये रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस मतलब ओनली इसकी बाउंड्री, ठीक है, और कुछ नहीं। इसकी बाउंड्री को अगर ऐसे खोल के ऐसे लंबा कर देना, इस टाइप से फैला दे, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, अगर ये सिमट के तो क्या बन जाती है, सर्कल। ऐसे खोलेंगे तो ये है इसकी सर्कमफेरेंस, मतलब बाउंड्री की लेंथ। फिर आगे आता है एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो गया सर्कल का हाफ, तो एरिया भी इसका हाफ हो गया। हमें पेंट भी इसको कम ही करना पड़ेगा, पूरा पेंट नहीं करना पड़ेगा, हमें आधा पेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। फिर आता है पेरीमीटर। देखो, सर्कमफेरेंस नहीं बोला यहाँ पर, पेरीमीटर बोला गया। जो जो सर्कल का पार्ट जो होता है, जो ऐसे कर्व जो बनाता है इसको, ये सर्कमफेरेंस का पार्ट हो गया, मतलब आर्क टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आर्क, ये तो आर्क है लेकिन ये वाला ये आर्क नहीं है, ठीक है। तो कैसे कैसे किया करेंगे, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। अभी आधा ही चलेगा तो कितना हो गया, पाई आर, ठीक है। लेकिन अब इधर से भी बाउंड्री बनेगी। अब ये क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर ऐड कर दिया। आप, मैं चाहूँगा कि आप, है ना, इसको ऐसे इंडिविजुअल याद रखो, ऐसे फॉर्मूले बना के याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखेगा ना इस टाइप से, तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, कैसे भी एकदम फ्लेक्सिबल रहोगे, जैसे मर्जी वैसे अप्लाई कर लें, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल कितना हो गया, पाई आर प्लस 2 आर। तो आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2 ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन पहला वाला याद रखना। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, ठीक है। मतलब आपको रिंग वगैरह देखा होगा, बीच में से खाली होता है, फिर भी एक जैसे ये होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर ग्राउंड है और इधर चारों तरफ ट्रैक बना है, ठीक है, दौड़ने के लिए। तो उसका एरिया पूछ लिया हमें, उस रास्ते का, चारों तरफ वाले रास्ते का एरिया पूछ लिया। तो रास्ते की कुछ विड्थ भी होती है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, एरिया, ये बीच वाला एरिया पता करना है, ये बीच वाला एरिया, ठीक है, ये वाला। तो क्या होगा, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आउटर सर्कल की क्या लेंगे हम, रेडियस कैपिटल आर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई अंदर का कितना है, इनर का स्मॉल आर है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसे भी देखा जाता है, तो पाई यहाँ पर अगर इसको फैक्टराइज कर ले, इस चीज़ को हम फैक्टराइज करें, तो क्या बनेगा, आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो पता है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर, ये चीज़ है थिकनेस या फिर विड्थ, यह थिकनेस या फिर विड्थ। इस रास्ते की ये चौड़ाई कितनी है, ठीक है, मतलब विड्थ कितनी है। तो बाहर का कितना है कैपिटल आर, अंदर का कितना है स्मॉल आर, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ना एक इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वाड्रेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपको पता होगा एक जो सर्कल है उसके कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलरली इस चीज़ का बारे में सारी चीज़ें पूछी जाएगी, तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं। देखो, इस पूरे सर्कल को अगर पेंट करेंगे तो पूरा एरिया कवर होगा, इतने से को कवर करेंगे तो इस पूरे एरिया का 1/4 कवर होगा। तो इसका पहले बात तो एरिया कितना हो गया, इसका एरिया पूरे सर्कल का 1/4, तो पूरे सर्कल ये यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 हो गया। बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की, ठीक है, पेरीमीटर की बात करते तो कितना होगा, देखो पूरा कितना है ये, 2 पाई आर, ठीक है, पूरा का पूरा कितना है, 2 पाई आर। तो इतना सा पोर्शन कितना बचेगा, बस इसकी ये कर्व वाली बाउंड्री ना, कर्व वाली बाउंड्री, सीधी सीधी नहीं पूछ रहा मैं, ये कितना बचेगा, 2 पाई आर अपॉन 4। तो ये 2 इसको काट देगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा नीचे।
तो देखो पेरीमीटर क्या होगा, ये इधर वाली लेंथ कितनी है, पाई आर बाई टू, प्लस ये लेंथ। अब देखो बाउंड्री, मान लो इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, हमें ना ऐसे बाउंड्री बनानी है, तो हमें इसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, फिर इधर से तो खुला ही है तो इधर की भी बाउंड्री बनानेगी। ये आर हो गया और ये भी कितना हो गया आर, तो आर और आर, ये टू आर भी हमें जोड़ना पड़ जाएगा इधर, टू आर। ठीक है, ये कर्व वाली बाउंड्री है और ये सीधी सीधी बाउंड्री है स्ट्रेट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके ना नोट्स जरूर बना लेना आप। ये क्वेश्चन नंबर वन करते हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है 12.1, क्वेश्चन नंबर वन। देखो इसमें क्या बोला है। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपको कई लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि पाई का क्या सीन होता है, कहाँ होता है पाई। देखो आज क्लियर हो जाना चाहिए, ये बीच में होता है पाई। ठीक है, अच्छा पाई आपने देखा होगा कि पाई कैसा नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, आपने सुना होगा। तो 22/7 इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 22/7 ये एक रेशनल नंबर होता है। 22/7 क्या होता है, एक रेशनल नंबर हो गया, और इससे थोड़ा सा छोटा होता है 3.14। ठीक है, 3.14 ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये पी बाई क्यू में दिखता है इसलिए रेशनल हो गया, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है इसलिए रेशनल हो गया। ठीक है, तो पाई इन दोनों के काफ़ी करीब होता है, बहुत करीब होता है इनके, तो इनके बराबर नहीं होता है। ठीक है, इनके बराबर नहीं होता है। पाई जो है वो 3.14 से तो बड़ा है और 22/7 से छोटा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू एग्जैक्टली लेंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, बहुत मतलब इरेशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनता है, ऐसा कुछ होता है। 3.14159 फिर आगे से आगे आगे कभी ख़त्म नहीं होता इसका आंसर। ठीक है, तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए पाई की वैल्यू कभी कभी 3.14 ले लेते हैं और पाई की वैल्यू कभी कभी 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना कि ये मतलब ये इनकी इस टाइप की वैल्यूज है तो ये रेशनल है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या फिर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। फिर भी आपको ऐसे हिंट के तौर पे बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 तब लेना जब क्वेश्चन में 7 की टेबल वाले कोई कोई नंबर्स हो, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, इस टाइप से। ठीक है, अगर इस टाइप के नंबर नहीं है, पाई की वैल्यू, अब देखो 3.14 कब ले सकते हो, जब आपके पास में 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स हो, तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो 22/7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज में करते हैं अब इनको। देखो इसमें बोला है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेज ऑफ द टू गिवन सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल है, एक की रेडियस 19 है, एक की रेडियस कितनी है 19 है, इसको मैं आर वन बोल देता हूँ पहले वाले की रेडियस, और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 9 है, आर टू इक्वल टू कितना है 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि देखो इसको खोलेंगे यहाँ से, मान लो यहाँ से इसको खोल लिया हमने। ठीक है, यहाँ से खोल के इतना इतनी बड़ी वायर होगी इसकी, फिर यहाँ से इसको भी खोल लिया, इसको इतनी बड़ी वायर होगी, अब इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इतना बड़ा वायर हो जाएगा फिर कुल मिला के। तो पता करना है कि अब इसको वापस समेटेंगे हम, इस वायर को वापस समेट लेंगे तो थोड़ा और बड़ा सर्कल बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो बताना है कि इसकी रेडियस, इसको आर थ्री बोल देता हूँ, इसकी रेडियस क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन, अब इसको खोलेंगे मतलब इसका क्या है, ये 2πr1 है, और इसको खोलेंगे मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री मतलब इसकी सर्कमफेरेंस है 2πr2 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को फिर ऐड कर दिया और इसको वापस घुमा दिया, अब इसकी रेडियस कितनी r3, इसको वापस खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टू, ये इसका डायग्राम ये बन जाएगा 2πr3, तो ये दोनों ना बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का सम हो जाए, इतने बड़ा सर्कल बताओ। ठीक है, इन दोनों की सर्कमफेरेंस उसकी अकेली सर्कमफेरेंस बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr1 + 2πr2 = 2πr3। ठीक है,
देखो दोस्तों, इनको ना यहाँ पर सोल्व मत करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो जो डिवीजन जो होता है वो सबसे पहले करो। जैसे बोर्ड मास का रूल तो आपको पता ही है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। डिवीजन सबसे सबसे पहले करो डिवीजन, ठीक है। जैसे आप कॉमन लेने वाली चीज़ें ये सब कर सकते हो, ठीक है। मतलब कॉमन लेके काट सकते हो, मतलब काटना मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना। कोई नंबर बड़ा ना हो पाए, छोटे छोटे नंबर ही रहे, और मल्टीप्लाई करना सबसे बाद में, ठीक है। मतलब प्लस और माइनस वो तो है ही लास्ट में, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड ज़रूर कर लेना, ठीक है, चीज़ों को। और काटने पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़्यादा, ये मल्टीप्लाई पे कम रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो मैं कहता हूँ कि आप उसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके रख लेना, बड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ इधर से 2π कॉमन आ गया, R1 + R2 बच गया ब्रैकेट के अंदर ना, ये 2π और ये 2π कॉमन आ गया। इधर कितना है, 2πR3, तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर ना। अब देखो कट कर दो, डिवाइड कर दो, कट करने का मतलब डिवाइड। इधर से 2π से 2π कट गया, R1 की वैल्यू कितनी, अब देखो आसान हो गया, R3 आराम से आ जाएगा। R1 कितना है, 19 + R2 कितना है, 9 = R3, तो इनको ऐड कर लेंगे। R3 कितना आ गया, 19 + 9 28, कितना है इसका यूनिट, सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो R3, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे ना, तो इसकी जो रेडियस बनेगी, इन दोनों के तार को या फिर जो भी वायर है इनकी सर्कमफेरेंस है उसको मिला के नया सर्कल बनाएंगे, तो उसकी रेडियस 28 ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। उसके अंदर सर्कमफेरेंस को ऐड करवाया था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एरियाज को ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी आसान हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। एक है R1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो गिवन है उसको लेट कर लेते हैं, R1 8 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको नाम हमने एज्यूम कर लिया। फिर बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड हमें ना R3 पता करना है, तीसरे सर्कल की रेडियस पता करनी है। ये वाला सर्कल थोड़ा इस टाइप का है, ये वाला सर्कल थोड़ा ऐसे छोटा होगा, इन दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है। इनका ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मिला दिया, तो ये मिलाकर एक थोड़ा बड़ा सर्कल बन गया। इसकी रेडियस कितनी, R3, हमें R3 की वैल्यू ही पता करनी है, ठीक है। तो एरिया एरिया बराबर है इस बार ना, सर्कमफेरेंस वो तार खोल के इस टाइप का नहीं किया, ठीक है, बाउंड्री खोल के नहीं किया हमने यहाँ पर। इसको पेंट करने में जितना पेंट लगेगा, इसको पेंट करने में जितना पेंट लगेगा, वो टोटल मिलाकर अब ऐसा सर्कल ढूंढो जिसको इन दोनों के बराबर, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर इसको हमें पेंट करने में उतना पेंट लगे, ठीक है। ये हमें पता करना, तो हमें R3 पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, π R3 स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पाई 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 सब जगह, तो पाई से पाई कट कर देना। मैं कहता हूँ डिवाइड सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कॉमन लेके कट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हाँ तीनों में होना चाहिए जरूरी। यहाँ पे R1 स्क्वायर बचा, R1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते, कितना बन गया 8 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू R3। ये तो पता करना हमें, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ऐसे रहने देते हैं। ये कितना हो गया 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इक्वल टू R3 स्क्वायर हो गया। इन दोनों का सम किया तो ये कितना हो गया 100 इक्वल टू R3 स्क्वायर। ये R3 का जो स्क्वायर है ये अब इस पर इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके ट्रांसपोज हो गया, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू R3, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 इक्वल टू R3। तो इस टाइप से देखो इस बार ना, सीधा सीधा ये देखो, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं होता एरिया के अंदर, ऐसा कभी नहीं मत करना कि भाई दो सर्कल्स को ऐड कर रहे हैं तो इनके रेडियस को ऐड कर दो। हाँ सर्कमफेरेंस में ऐसा ज़रूर होता है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सर्कमफेरेंस के केस में अगर इनका इनका सर्कमफेरेंस जोड़कर नया सर्कल बनाएंगे तो इनकी रेडियस भी इक्वल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इसकी रेडियस और उस नए वाले की रेडियस एक टाइप की PGT फॉलो करती है। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू उसका स्क्वायर हो गया ना, तो एक टाइप से PGT फॉलो करती है, लेकिन ये मत करना कि आप डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, इस टाइप से नहीं होता। इसमें हम इस टाइप से करके निकालेंगे, या फिर आप बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो, एरिया एरिया से निकाल लेना, ठीक है, तो आंसर यही आएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़।